नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में कोविड के 12,514 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 251 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना से राहत, एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1,58,000 पहुंची। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 271 अंकों की उछाल के साथ खुला। दिवाली से पहले महंगाई का जोरदार झटका, 268 रुपए महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। पेट्रोल पर भड़का शिवसेना का गुस्सा, विरोध में निकाली साइकिल रैली, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कर्मचारियों के समर्थन में उतरा भाजपा युवा मोर्चा, बस स्टैंड कर दिया ब्लॉक। हुक्का पीते मिले युवक युवतियां, ऑकवुड लॉन्च पर पुलिस का छापा। कुकड़े लेआउट में हंगामा, महावितरण के कर्मचारियों से हाथापाई। नवाब मलिक का नया आरोप, बोले वानखेड़े किंग पिन है, उन्हें फडणवीस से नियुक्त किया गया था। मशाल जलाकर किया ममता का विरोध, सड़क पर उतरी गोरेवाड़ा की जनता, पानी के बाद अब स्ट्रीट लाइट की लड़ाई शुरू। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।